नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है और आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर हम आपको पुरानी जो हेरिटेज है हमारी उसके आज आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से इस हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसको लेकर आज स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए हैं इस हेरिटेज को देखने के लिए। इनसे जानना चाहेंगे, ये स्कूल में टीचर हैं तो आज आप बच्चों को यहाँ पर इस इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर यहाँ पर धरोहर, जो हमारी पुरानी धरोहर, उनको दिखाने लाए हैं। कैसा लगा और क्या देखा? हमें बहुत अच्छा लगा। जो एक माध्यम है, इन्होंने यहाँ जो म्यूजियम खोला है, बच्चों को फीडबैक मिलेगी, बच्चों को पुराने समय का कल्चर जो है, वो पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए हैं, पुराने जो कॉइन्स हैं, करेंसी है, उसके बारे में बच्चों ने जाना जहाँ पर, और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा। वो आगे भी आगे बच्चे जो हैं वो ये घर वालों को, मोहल्ले में अपने सहपाठियों को, माता पिता को बता सकते हैं कि हमारा पुराना कल्चर कैसा था। ये सभी सिक्के जो हैं, जैसे ये मैनुअल काम हुए हैं सभी के सभी, तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो हमारा जो करंट जो हमारा सिचुएशन चल रही है, जैसा अभी सब समय चल रहा है, पुराने समय में कंपेरिजन होगा तो इनको बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिलेगा। ऐसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर ही हम बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो क्या लगता है इसके बाद बच्चों को ये चीज़ें याद रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी जी, क्योंकि बच्चे हैं ये, अभी इनका सीखने का समय, स्टूडेंट लाइफ है, जो भी सीखेंगे ये परमानेंटली उनके दिमाग में जो है वो चीज़ जो है वो सेव हो जाएगी, और आगे जो जनरेशन आने वाली हैं ये इनको आगे बताएंगे, ये इनके जो परमानेंट जो है इनकी मेमोरी में जो है जो सेव हो जाएंगी ये चीज़ें। जो आज बहुत बच्चे, इनको फीडबैक मिला है, बहुत पुरानी हिस्ट्री को जानने में इनको बड़ा अच्छा लगा। अब ये आपस में बातें कर रहे थे बच्चे, तो ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही जो है एजुकेशनल, जो इनका जो एजुकेशनल इनको इन्फॉर्मेशन मिली है पुराने समय की, ये अपनी जो लाइफ टाइम याद रखेंगे और आगे भी बच्चों को बताएंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन से उनको बताएंगे। सर, आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, मैं हैरान हो गया इन्हें कलैक्शन देख के, जो कलैक्शन इन्होंने खोलन, सानू भी कहने का शौक पैदा से कि दो चार सिक्के इकट्ठे करके अंदर सोचते सी हेरिटेज बड़ी प्रजर्व कर लिया। अज तो कुछ दो साल पहले इन्हों एक म्यूजियम मनो एक लगी सी कितने एग्जीबिशन, वो देखने का मौका मिले तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रैस होया इन्हों को, जो चीज़ें देख के कुछ डोगरा टाइम दे साढ़े को जो बर्तन, खास करके जो एक सगला कहते हैं वो देखिया, एक फोल्डिंग गिलास है जो उस टाइम हैंडमेड फोल्डिंग गिलास है, फोल्ड करके जेब च पा के पाकड़ पा के इसे रख सकते सी। उसके अलावा कुछ ये तुम मैनुस्क्रिप्ट जिन्हों कह लो, हैंड रिटन सारियाँ बहुत जबरदस्त हैं और इन्हों की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं समझा इन्होंने शायद अपनी सारी जिंदगी की धन दौलत इसे पासे खर्च कर दी कि जो जो चीज़ें प्रिजर्व की, जिद रामायण हस्तलिखित रामायण है, गीता, गुरमुखी के चीज़ा ने, सिक्के हैं, तो सिक्के देखे कुशान पीरियड के सिक्के, कश्मीर सुल्तान के 15वीं सेंचुरी के, इंडो ग्रीक 2nd सेंचुरी के, सिख पीरियड के सारे सिक्के, ऐसे शायद सरकार ने भी इतनी ज़्यादा कलैक्शन शायद ना करके रखी हुई, जिन्हें को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मैं मुबारकबाद देना सरदार इंदर सिंह जिन्होंने अपने इस हैरीटेज में, और मैं ये भी सुन रहा कि 1976 जो ये स्टूडेंट से उस टाइम इन्होंने एक शुरुआत की, जब इन्होंने देखा भी दिल्ली तो कुछ व्यापारी आ गए, जम्मू तो कुछ कीमती चीज़ा कट्ठिया कर रहे हैं, तो इन्होंने जब पूछा भी की करना, कहते जी साढ़े को वैसे अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ लैके जाते हैं। उस टाइम इन्होंने माइंड स्ट्राइक किया भाई, अगर साड़िया चीज़ा सारी साढ़े कल्चर से जुड़ी चीज़ा अगर बाहर के लोग इतों चुके बाहर लैके जा रहे हैं, क्यों ना असं इतने प्रिजर्व करिए, अपने बच्चों अपने लोगों अपनी संस्कृति के बारे दसीए, तो बहुत वाडा उपराला। मैं समझा जिंदगी इन्होंने होर कोई जायदाद बनाई या नहीं बनाई, जो जदात बना के जा रहे हैं, जो ये दस के जा रहे हैं, जो इन्होंने अपनी की है, शायद इसका कोई मुल नहीं लगा सकता। कुछ बच्चे हैं जो म्यूजियम में जो रखी चीज़ें हैं उनको देखकर बाहर आए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या है नाम आपका? मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन से स्कूल में? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ, 12th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आज आपने यहाँ पर म्यूजियम में चीज़ें देखी, कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं अंदर, बहुत मतलब पुराने पुराने कॉइन्स हैं, हैंड रिटन बुक्स हैं काफ़ी, जो मैंने पहली बार देखी हैं, आज म्यूजियम में पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। हिमालय हेरिटेज म्यूजियम में आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर यहाँ पर बच्चों को बुलाया गया और जो पुरानी धरोहर हैं, चाहे वो 2nd सेंचुरी की है, 19वीं सेंचुरी की है, इंडो पाक की, मतलब बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी सारी जो हमारी धरोहर है उनको यहाँ पर उनकी आज प्रदर्शनी की गई, जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? हाँ, इंद्र सिंह। आपसे जानना
जानना चाहेंगे कि आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर आपके पास जो इतना आपने ये अपना हेरिटेज संभाल के रखा हुआ है, आप बच्चे भी यहाँ पर देखने के लिए आए और आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कि ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या, मैं दुनिया के लेवल की ये मुबारक सभी मुल्कों को देता हूँ, क्योंकि 1977 में जब ये म्यूज़ियम डे स्टार्ट किए गए तो उस वक़्त 90 मुल्कों में ये स्टार्ट हुआ और ये 2009 में 129 मुल्कों में फैल गया और 30,000 दुनिया में इस वक्त 30,000 म्यूज़ियम हैं। ये यही एक ऐसा रास्ता बना कि लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया और आज जो हमारी धरोहरें हैं सारी दुनिया में, मैं तो जम्मू कश्मीर की ही बात करूँगा, अपने हिंदुस्तान की बात करूँगा, लेकिन जो प्रयास किए गए वर्ल्ड लेवल पे, आइसकॉम ने जो प्रयास किए, वो प्रयास आज वो जो पौधा उन्होंने लगाया, आज ये बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट, सारे मुल्कों की गवर्नमेंट ने 3 प्रोग्राम रखे हैं साल में, हेरिटेज डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे और हेरिटेज वीक, ये साल में 3 प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें लोगों को बड़ी जागरूकता आई है। जो लोग हमारे यहाँ चीज़ें नष्ट करते थे, अब वो लोगों ने चीज़ें नष्ट करनी ख़त्म बंद कर दिया है और काफ़ी हद तक लोगों ने इनको संभालना शुरू किया। आज बच्चों को जो बुलाने का मकसद यही था और उनके साथ उनके स्टाफ को, कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है कि जो बच्चों को हाईलाइट करके उनमें कुछ जागृति पैदा कर सकता है। आज जो यहाँ पर 300-400 जो बच्चे आए, अगर इनमें से 2 बच्चे भी मेरी तरह देख कर एक छोटी सी चीज़ पर शुरू करेंगे, तो खैर वो बच्चे तो इस वक्त चले गए हैं, थोड़े से आगे पीछे हैं, अगर मैं उनको यही कहूँगा कि कोई ना कोई छोटी चीज़ अपनी जो बाहर फेंकते हैं उसको संभाल के रखें, एक दिन ऐसा आएगा कि उनके पास भी एक बहुत अच्छी कलेक्शन हो जाएगी। सर, कितनी आपको मेहनत इस काम में कितनी मेहनत लगी और परिवार का किस तरह से आपके साथ साथ? देखिए जी, सबसे पहले तो शुक्रिया ये है कि मेरे परिवार ने, मेरे भाइयों ने, 4 भाई हम, इन्होंने मेरी इस काम में बहुत मदद की है कि जिसका मैं आपको लफ्ज़ों में कह नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी की जो सारी कमाई थी उनकी भी और अपनी भी, वो सारी मैंने इसके ऊपर लगा दी। हमने कोई ज़मीन जायदाद नहीं खरीद पाए, लेकिन धरोहरें बचाने में जो शौक़ रखा, इन्होंने बाकायदा मेरा पूरा साथ दिया, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। और बड़ी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड भी दिया है, स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड जो मुझे 2022 में मिला, जम्मू म्यूज़ियम में जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है उसमें मेरा सामान जो मैं यहाँ नहीं रख पाया क्योंकि जगह कम होने के कारण, बड़ी जो चीज़ें थी वो मेरी डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जम्मू में लगी हुई हैं, उनके मैंने पैसे लिए हैं उनसे थोड़े बहुत जो भी उन्होंने दिए। आज अगर आप जम्मू का डोगरा म्यूज़ियम जाकर देखोगे तो मुझे बड़ा फ़ख्र कि मैं कह सकता हूँ फ़ख्र के साथ कि उसमें हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त जो डिस्प्ले में उसमें 30-35% मेरी डिस्प्ले लगी हुई है। धरोहर इतनी इकट्ठी की है, आप बचपन से ही, आपको शौक था या किसी बात को सुनकर आपके मन में आया कि नहीं अब मैंने ऐसा कुछ करना है, इन धरोहर को इकट्ठा करना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक मिसाल बन सकूँ? देखिए 1975 में मैट्रिक था तो ये गांधी भवन में डोगरा आर्ट गैलरी हुआ करती थी, गैलरी उस वक्त म्यूजियम नाम नहीं था इसका, उसमें थोड़ी सी उन्होंने सामान रखा था। ये 1954 में 4 लोगों ने, बख्शी गुलाम अहमद जी ने इनको 50,000 रुपया दिया कि थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन जो चीज़ मास्टर संसार चंद बड़ू जी थे, तो क्या नाम है इनका जी, तो ये 4 लोग उस वक्त शुरू हुए, तो इन लोगों ने जो सबसे बढ़िया यहाँ चीज़ें 2-3 खरीदी उस वक्त, इसके में वो ज़फ़रनामा, एक में सिकंदरनामा जिस पर बहुत बड़ी पेंटिंग बनी है, दुनिया की नायाब किताबों में मैनुस्क्रिप्ट में, वो मैनुस्क्रिप्ट वो 50,000 से शुरू होकर फिर वो 4 लोग चले गए, 2-3 लोग और आए, वो भी सियानी उम्र में थे, वो भी लोगों ने कुछ उनको सामान कलेक्ट करके दे, क्योंकि जम्मू से सामान लोग बाहर लेके जाते थे, उन चीज़ों को रोकने के लिए जो जम्मू के हमारे डोगरे 4 थे, वो धनी राम जी थे, धनी राम जी के बेटे केडी नान साहब थे, लक्ष्मी ज्वेलर वाले थे जैन बाज़ार से, इनके बाद फिर हम 3-4 लोग थे, इन्होंने ये कलेक्शन करके अपने जम्मू डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में दिए, ताकि वो जो बाहर लोग आते थे, बाहर से दिल्ली से या कहीं और से, वो सामान यहाँ से खरीद के ले जाते थे, तो उनको रोकने के लिए वो चीज़ें जम्मू से हमने कलेक्ट करके, कुछ लोगों ने हमारा अपना शौक बन गया, हम लोगों ने अपने पास रख ली, और कुछ जो नहीं रख पाए बड़े बड़े सामान थे वो हमने डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में दे दिए।
तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आज हिमालय हेरिटेज जो म्यूज़ियम है, यहाँ पर आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे पर जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, उनकी आज प्रदर्शनी की गई, जिसमें बच्चों ने भी भाग लिया और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संजीवनी है एक तरह जिसे हम कह सकते हैं, वो आज भी विरासत जिंदा है और आगे इन बच्चों के लिए किस तरह से ये विरासत काम आएगी उसके बारे में भी बताया। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।